पांच दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर, जो कि ब्रह्म वैवत पुराण से ली गई है। वेदों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम ना हुआ है ना होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। कृष्ण नाम नः परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदु। तो सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम जो है वो है कृष्ण नाम। तो गौण नाम भी होते हैं, सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अल्लाह, क्राइस्ट, ये भगवान के गौण नाम है। और मुख्य नाम में आता है वो नाम जो विशेष रूप से भक्तों के साथ लीलाओं में संबंधित होते हैं, वो होते हैं मुख्य नाम। तो कृष्ण जो है ये आता है मुख्य नाम के अंदर। कृष्ण, कृष्ण का मतलब जो भक्तों को आकर्षित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण, इवन नास्तिकों को आकर्षित करते हैं कृष्ण। इसे नास्तिक लोग भी कमेंट जरूर मारेंगे कृष्ण के ऊपर, बिकॉज कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव। और किसी को कमेंट मार लो यार, तुम क्या टाइम खराब कर रहे हो, जाओ कुछ और काम कर लो। नहीं, हम कृष्ण में नेगेटिव कमेंट मारेंगे। व्हाई? क्यों? उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, क्या करें। कृष्ण अड़ा मतलब आनंद का सागर है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबो के भी रखते हैं और उनके हृदय को आकर्षित भी करते रहते हैं, इसलिए वो हैं कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये भगवान का सारे नामों में सबसे परे नाम जो है वो है कृष्ण नाम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम समस्त वैष्णव भक्त चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अब वैसे तो हम सब मिलकर के ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, लेकिन उससे पहले अमिताराबाद माती सबके लिए कुछ मिष्ठान लेके आई, क्योंकि उनकी बिटिया का बर्थडे है। सो प्लीज टेक सम स्वीट प्रसादम एंड देन यू कैन चैंट स्वीट होली नेम्स ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा, आयशियानी के बर्थडे की जय, श्री प्रभुपाद की जय।